तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम अपना घर छोड़ के सारे बंधन तोड़ के निकल रहे हैं भाई रोड ट्रिप के लिए, मगर परसों, क्योंकि अभी गाड़ी मिली नहीं है रैपिंग वाले के पास से। बाकी सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, 60% पैक्ड है, 40% अभी करना है। शाम तक के लिए हमने यू हॉल बुक करा हुआ है। अब जिसको नहीं पता यू हॉल क्या होता है, तो भाई अपना वो मूविंग वाला ट्रक नहीं पता आपको, जब अपने वहाँ चलते नॉर्मल, अपना फोर्स का हो गया या फिर अपना वो टाटा 407, हाँ तो उतना ही बड़ा एक ट्रक होता है भाई साहब। और इसी में अपना सामान लाद के सारा अपन निकल लेंगे, सारा सामान जो बच जाएगा राहुल भाई के घर पे छोड़ेंगे, जो लेके जाना है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पैक कर लिया, तो थोड़े तो टैलेंटेड है हम लोग। हाँ बाकी आज तुम देखो फुल ग्लोरी में अपना घर गंदा कैसा होता है। भाई अपना गया है मैनेजमेंट ऑफिस से परमिशन लेने, लिफ्ट की परमिशन लेनी पड़ती है भाई, ताकि आपको 2 से 3 घंटे की लिफ्ट की परमिशन मिल सके, ताकि लिफ्ट आप यूज कर सको। सो बेसिकली लिफ्ट अपनी अभी आई नहीं है, अपने बारे में हुई नहीं है, अपने हाथ में नहीं आई है। जैसे ही अपना भाई आता है वैसे ही अपन सामान लोड करेंगे और चल पड़ेंगे भाई। सारा सामान अब इस डॉली पे डाल के निकलेंगे भाई। डॉली पता नहीं क्यों कहते हैं, डॉली तो मेरे हिसाब से बायो की टीचर नहीं थी। जो भी है, हाँ जी मिल गई लिफ्ट ना भाई, उन्होंने मना कर दिया भाई। ऐसे कैसे मना कर दिया, अभी चलो ऑफिस में, मना कर दिया, कह रहे कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी, जाओ अपने घर जाओ। तो ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो हमको। सेंटीमेंट्स जुड़े हैं भाई इस जगह से। अरे तो उनके सेंटीमेंट जुड़े हैं, हमारा तो किराया जुड़ा है भाई, हमने पैसा दे रखा है, ऐसे कैसे नहीं, चलो ऑफिस में। अरे बोल दिया मजाक कर रहा हूँ। 2 घंटे के लिए मिली है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की लिफ्ट मिली है। जल्दी डब्बे निकालते सबसे पहले, क्योंकि ये वाला तो चंक निकल गया ना, फिर इसके बाद सारा फर्नीचर ही है। और वैसे इसका नाम है डॉली, इसका नाम है भाई डॉली, इसका नहीं है। हाँ इसका नहीं है, अपनी बायोलॉजी टीचर थी भाई डॉली मैम, कैसे हो आप? एपीएस लाइफ, एपीएस भाई। चलो भाई सामान पैक करते हैं, निकलते हैं, टाइम हो गया, लेट्स गो। इस शख्स ने माइक्रोवेव तोड़ दिया, ये दिख रहा होगा अब ना, तो ये माइक्रोवेव का यूज होना, अब इसको मैं बोल गया था वहां किसी और को दे देते हैं, कहता नहीं भाई यूज कर लेंगे। और यहाँ पहाड़ सा बना के इस डॉली के ऊपर लेकर आ रहे थे सब्जी, और यहीं इन्होंने तोड़ दिया। शाबाश, देखो कितनी आराम आराम से काम कर रहा है, नजरे भी नहीं मिला पा रहा। तो भाई तूफान की स्पीड से हमने कर दी पैकिंग फुल पावर, हमें लगे टोटल 2 घंटे, और 2 घंटे की लिफ्ट दी थी भाई आरामिया, बहुत ज़्यादा हमने 3 की मांगी थी, 2 की बोल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में भी पूरा घर चमका दिया पूरा पारा। बस अब थोड़ा बहुत सामान बचा है जो डिस्कार्ड करना है, बाकी अपना ड्राइवर तैयार है भाई गाड़ी लेके, अपन चलते हैं ऑफ लोड करते हैं सामान और चलते हैं। चलो तो यार फाइनली घर तो हो गया मूव। एंड जिन लोगों को नहीं पता यार, ये हमने रेंटल एक यू हॉल लिया। यू हॉल एक ऐसी कंपनी है यूएस और कनाडा के बीच में, जो कि आप लोगों को ट्रक्स और ये सब चीजें प्रोवाइड करती है, जिसको मतलब शिफ्ट करना हो, मूव करना हो, आप इंटर सिटी ले सकते हो। जैसे हम तो विद इन सिटी है, तो विद इन सिटी पर किलोमीटर होता है, इनके और भी बहुत सारे रेट शीट है। एंड गुड कंपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रक्स किसी को अगर चाहिए और सिर्फ आपको जी लाइसेंस चाहिए इनको चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा लाइसेंस चाहिए, यू कैन गेट अ नॉर्मल लाइसेंस एंड देन यू कैन ड्राइव ये सारे के सारे यू हॉल्स हैं। तो हमने ये बेसिकली 6 घंटे के लिए लिया था, $24 के करीब हमारा बेसिक रेंटल है, और उसके ऊपर पे पर किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर हमने चलाया है। पे पर किलोमीटर आई थिंक 19 सेंट है जितना मेरे को याद है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। तेल आपका खुद का होता है, तो जितना तेल ये लोग आपको देंगे उतना ही तेल आपको वापसी भी करना है। एंड इसके बाद शिफ्ट कर लिया भाई घर, बट थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी 2-2.5 साल हो गए थे यार इस सेम घर में रहते हुए। बट हाँ, क्योंकि आगे की अपॉर्चुनिटीज इतनी अमेजिंग है कि भाई कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें तो देखी जाएंगी, दोबारा आएंगे, दोबारा कुछ और कर लेंगे, दोबारा कहीं और ले लेंगे घर। बट हाँ, फॉर द टाइम बीइंग यार चलते हैं राहुल भाई के यहाँ पे, वापस सारा सामान ऑफ लोड करते हैं, फिर उसके बाद यू हॉल वापसी करके आते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं यू हॉल को वापसी करने के लिए। 4 घंटे ऑलरेडी हमारे इन्वेस्ट हो गए पैकिंग और ये सब मूव करने के लिए। सो लेट्स गो।
फाइनली एवरीथिंग इज डन, ट्रक हो गया खाली, अब यहाँ से इस ट्रक को लेके जाएंगे एंड सीधा जहाँ यू हॉल है वहाँ पे उसको छोड़ेंगे, साथ ही साथ गाड़ी लेके जाएंगे क्योंकि एक बंदा ट्रक चलाएगा एक बंदा गाड़ी चलाएगा, ट्रक वहाँ छोड़ देंगे, गाड़ी से फिर अपन घर की तरफ वापसी। तो इस व्लॉग को यार यहीं रोकते हैं एंड आई होप यू गाइज लाइक डेट, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि भाई हमारी जो ट्रिप है वो और 2 दिन में शुरू हो रही है एंड इट विल बी रियली रियली फन, सो सी यू गाइज ओवर देयर।